गुड मॉर्निंग एवरीवन। कई बार इस फूल के बारे में कमेंट आ चुका है कि मैम इसके बारे में बताइए ये कौन सा प्लांट है। तो देखिए डेंथस की वैरायटी है ये, जिसे कॉमन भाषा में कार्नेशन बोला जाता है। बहुत ही खूबसूरत कलर्स में मिलता है। मेरी विश लिस्ट में था, लेकिन मेरे पास इतने सारे प्लांट्स हो गए थे तो मैं सिर्फ एक ही कलर लेकर आई। और ये लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब काफ़ी टाइम तक चलता है। अगर आप इसे फूलदान या गुलदस्ते में सजाते हैं तो आपने देखा भी होगा, जहाँ फ्लावर्स की डेकोरेशन होती है वहाँ पर इस फूल को यूज़ किया जाता है। जैसे डेंथस में तो देखिए सिंगल पेटल्स होते हैं, और इसके अंदर देखिए कितनी सारी मल्टीपल पेटल्स होती हैं, और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कलर में आता है। देखिए जब से मैं लेकर आई हूँ ये रेगुलर फ्लावरिंग कर रहा है, भर भर के। आप देख पा रहे होंगे, रेगुलर दिखाती रहती हूँ, पूरा भर जाता है। बस मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जो इसके ये फूल खिल चुके होते हैं इनको मैं हटा देती हूँ। अभी तक तो देखिए एक भी मैंने बीज बनते हुए देखा नहीं है इसमें। पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, एक दो छोड़ूंगी इस पर फूल, देखती हूँ। बाकी आपको पता है इस वाली वेराइटी के जितने भी पौधे होते हैं वो बहुत ही ईजिली मल्टीप्लाई हो जाते हैं कटिंग से और रूट डिविज़न। जैसे देखिए इसमें कितने सारे मल्टीपल प्लांट्स हैं, तो इनकी मैं कटिंग कर करके लगा दूंगी तो ये जो है तैयार हो जाएंगे। क्योंकि डेंथस के मैंने बहुत सारे पौधे जो हैं कटिंग से तैयार किए हैं, और बीज से तो हो ही जाता है आसानी से। तो कोशिश करूंगी एक दो सीड इस पर बन जाए, क्योंकि हाइब्रिड जो वैरायटी होती है ना उनमें सीड्स बनते नहीं हैं। तो इसका रिज़ल्ट तो मैं आगे शेयर करूंगी, क्योंकि पहली बार देखिए मेरे पास ये फूल आया है, और पढ़ के अब मैं वैसे नहीं बता सकती जब तक कि मैं खुद एक्सपीरियंस ना करूं। बट हाँ, ये कटिंग से इजीली ग्रो हो जाती हैं डेंथस की सारी वैरायटीज़, तो ये भी डेफिनेटली होगा। तो मैं इसको जब कटिंग से ग्रो करूँगी तब शेयर करूँगी। मैं 22 तारीख को लगाऊँगी इसकी कटिंग, क्योंकि मैंने जब तिथियों पर कटिंग भी लगाई है ना उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहे हैं। और कोई इसके अंदर मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा ऐसे फर्टिलाइज़र नहीं डाला है जो बाकी प्लांट्स को दिया है मैंने फूलों वाले पौधों को। देखिए एक तो आपको पता ही है पॉट फिलिंग अच्छा रहता है, और इसका तो मैंने पॉट फिल भी नहीं किया, जिस ग्रो बैग में आया था उसी में लगा हुआ है, मैंने इसको टच नहीं किया था। बट हाँ, रेगुलर इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने ज़रूर डाला है, जो भी मैं बनाती हूँ अपने वो मैं रेगुलर डालती रही हूँ। और एक बार बस इसमें केले के छिलके मैंने दबा दिए थे, और जब से ये प्लांट आया है तब से रेगुलर ब्लूमिंग कर रहा है। और चूँकि फूल दिन में खिलता है तो नेचुरल है, इसको धूप चाहिएगी। तो मेरे यहाँ जिस जगह पर ये रखा हुआ है यहाँ पर तकरीबन 11 बजे से धूप आती है, और 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक या 4 बजे तक धूप रहती है, अच्छे से चल रहा है। अभी तो देखिए जैसे जैसे तेज़ धूप आएगी तब देखूँगी इसका क्या कैसे रिस्पॉन्स करता है ये। तो थोड़े से ऐसे एरिया में रखूँगी जहाँ पर इसको मॉर्निंग की सनलाइट मिल जाए, आफ्टरनून की बात की नहीं। और कटिंग से मैं परसों एक ट्राई करूँगी कि कैसे लगता है, क्या है रिज़ल्ट, आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए जो भी पौधे आप लेकर आते हैं ना, मेरा मानना यह है कि अगर आप केमिकल नहीं डाल रहे हैं तो वो अपने आप ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते रहते हैं, रेगुलर फ्लावरिंग करते रहते हैं रेगुलर, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मल्टीप्लाई भी इजीली हो जाते हैं। बस यही है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम तक इन पर फूल चाहिए तो आप रेगुलर पिंचिंग करते रहिए, जो भी फूल खिलते जा रहे हैं उनको हटाते रहिए, क्योंकि ये पेरेनियल प्लांट है, पूरे साल भर आपके गार्डन में रह सकता है। डेंथस की जितनी भी वेराइटीज़ हैं वो पूरे साल भर आपके गार्डन में रह सकती हैं, बट आपको थोड़ी सी उनकी केयर करनी पड़ती है तेज़ गर्मियों में। बाकी जैसे ही नेक्स्ट सीज़न आए आप उसकी प्रूनिंग करिए, अच्छे से खाद करिए, खाद दीजिए, रूट फिलिंग करिए, और वो वापस से खिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई सारे लोग हैं जो नए जुड़े हैं, वो पूछते हैं कि मैम कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं या कौन सी खाद देते हैं। देखिए मेरे सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, कैसे मैं पॉट फिल करती हूँ, कैसे मैं खाद बनाती हूँ, और कैसे मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, तीनों पे ही प्लेलिस्ट हैं। आप अगर वो सारे वीडियोज़ देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपकी कोई क्वेरी रहेगी जो पूछने लायक होगी। बट हाँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको देखना ज़रूर पड़ेगा, देखेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि मैं अगेन एक ही वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर कर देती हूँ। मैंने कल और परसों फूलों वाले बीज लगा लिए हैं, अब 22 तारीख को लगाऊंगी। 22 तारीख को देखिए वो डेट है जिसमें आप सभी चीज़ों के बीज लगा सकते हैं, चाहे वो फल हों, चाहे फ्रूट सॉरी सब्जियां हों, चाहे वो फूल हों, तीनों के ही बीज लगा सकते हैं, तो लगा लीजिएगा। बाकी कैलेंडर के लिए कई लोग पूछते हैं कि मैम कैलेंडर आप हर बार कमेंट बॉक्स में भी शेयर करना मुश्किल हो जाता है, तो आप मेरे फेसबुक पेज पर कैलेंडर सर्च करेंगे सोनम क्रिएशन वैदिक कैलेंडर, तो आपको मिल जाएगी पोस्ट ईजिली। और मैं कोशिश करती हूँ वैसे तो कि मैं कमेंट बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूँ, तो अगर आपके पास सेव नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगी। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने उसके अकॉर्डिंग जब भी प्लांट लगाए हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, बीजों का जर्मिनेशन हो, चाहे वो प्लांट की ग्रोथ हो या कटिंग्स हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं वो शेयर करिएगा, कैसे आ रहे हैं रिजल्ट वो भी शेयर करिएगा।
और जिन लोगों ने सारी चीज़ें सेम फॉलो किए हैं उनके रिजल्ट्स देखने हैं तो मेरा ग्रुप है फेसबुक पर मिट्टी की खुशबू विद सोनम, प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करिएगा। उसमें आपको उन्हीं लोगों की पोस्ट नज़र आएंगी जो जैविक तरीके से या नेचुरल तरीके से गार्डनिंग कर रहे हैं, वो हम जैसे लोगों की ही कम्युनिटी है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप उसे। तो अगेन एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, कोई सा भी पौधा लगाइए अगर आप नेचुरल तरीके से कर रहे हैं उसकी केयर, तो डेफिनेटली वो आपको बम्पर फूल भी देगा, जो फल भी देगा और सब्जियाँ भी देगा, और प्लांट भी आपका हेल्दी रहेगा, इजीली आपको छोड़कर नहीं जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करा करिए।